सर कोई मुख्तसर सर कोई बात कर लेते हैं। संजय साहब क्या बातचीत हुई है, आपको दोबारा उम्मीदवार भी नामजद किए गए, तो आप हिमायत हासिल करने आए हैं या मुबारकबाद देने आए थे? मैं आया था, मेरा पुराना ताल्लुक है, मैं आया था मिलने के लिए कि इलेक्शन का एक कल प्रोसेस हुआ बड़ी खुशअसलूबी के साथ, तो उसके लिए मैं मिलने आया और उनको मुबारकबाद देने के लिए आया। तो आप उम्मीदवार भी हैं, तो हिमायत दी है सर, हिमायत का कहा है क्योंकि आप उम्मीदवार भी हैं। ऐसी कोई बात हमने नहीं की है। पहले गेलानी साहब ने मुझे कहा कि पीडीएम फैसला करेगा कि वो उम्मीदवार हैं या नहीं है, तो उसके बाद बात होगी। अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ी तो मैं उनके पास फिर चल के आ जाऊंगा। जब गेलानी साहब वज़ीर आज़म थे तो आप इनके साथ थे, अब अगर वो चेयरमैन सेनेट होंगे तो क्या आप उनके साथ होंगे? बिल्कुल जी, क्यों नहीं होंगे, हम साथ ही होंगे, एक दूसरे के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। वो ये पहली तो बात ये है कि हम इकट्ठे काम किया है, इन्होंने बहुत पीएम ऑफिस वगैरह का काम बहुत संभाला है इन्होंने, और हम इनसे बहुत खुश हैं। आज ये मुझे मुबारक देने आए हैं, अपने डेडिकेशन के साथ मैं मशहूर हूँ, और मैंने इनको आज नामजद हुए हैं। हमारा जो फैसले होते हैं वो कंसेंसस के साथ होते हैं, वो पीडीएम अभी डिसीजन जब हतमी करेगा तो फिर उस वक्त हम ऑफिशियली डिक्लेयर होंगे। और बाकी एक बात मैंने आपसे ये कर देनी है कि हमने वो स्टैंड लिया था 226 के बारे में कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए, क्योंकि वो असेंबली ने मतलब पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की थी, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, यहाँ जो है यहाँ सीक्रेट बैलेट है, बिल्कुल, तो हम उसकी भी हमायत करते हैं। कोई ख़तरा तो नहीं है कि लास्ट टाइम की तरह कोई नंबर गेम चेंज हो जाएगी? उसमें ख़तरे की कोई बात नहीं, असूलों की बात है। हमने उधर भी असूल पे कहा था, अपोज किया था कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए आइन चेंज नहीं हो सकता, यहाँ ऑलरेडी सीक्रेट बैलेट है, हम उसके हक में हैं क्योंकि आइनी तरीका है, कानूनी तरीका है, हमें उस पर कोई तरह। संजय साहब और कौन सी जमातें हैं जिनसे आपका रब्ता हुआ है? मैं तो जमात इस्लामी और बाकी जो हमारे अलाइज हैं उनसे भी मैंने रब्ता किया, तो इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी जरदारी साहब के पास भी जाएंगे, जैसा कि रानी साहब के पास आ गए तो मरियम साहिबा के पास चले जाएंगे। थैंक यू सर।